अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त 2021 है दोस्तों। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में एक दफा फिर कोरोना के केसों में कमी आई है। कल के मुकाबले में दोस्तों जो 384 केस रिकॉर्ड हुए हैं उसमें आज दोस्तों 20 केसों की मजीद कमी हुई है। आज जो दोस्तों रिकॉर्ड हुए हैं कोरोना के केस है, जो कि अब से कुछ पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को जारी कर दिया, जिसमें दोस्तों गुजशत 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में 360 नए कोरोना मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। इसी तरह दोस्तों 741 नए कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, 9 अफराद वफात हुए, अल्लाह उनमें से मुसलमानों की मगफरत फरमाए। साथ में दोस्तों जो एक्टिव केस है अस्पतालों में जो मौजूद है वो 4487 केस है, उसमें 1127 ये सीरियस मरीज है जो कि इंतहाई निगहदाश में रखे गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग कल बताया था, कल 384 आज 360, इसमें तकरीबन 24 केसों की कमी आई है। इंशाल्लाह अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो 1 सितम्बर तक ये केस 180-90 तक महदूद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो नया वायरस आया है सऊदी वजारत सेहत तर्जुमान के मुताबिक ये जो मौजूदा कोरोना है उससे 3% ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा है, दलता जो इंडियन, लेकिन इंशाल्लाह जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगाए हैं उसको ज्यादा मुतासिर नहीं करते। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि कल केसों में मजीद कमी आ जाए और सऊदी अरब नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौट जाए।